बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक मूवी का कॉमेडी सीन, लेकिन कौन सा बताएंगे मौजा। टाइटल है छोटा छतरी एस मनीलाल, मूवी आवारा पागल दीवाना, परेश रावल, जॉनी लीवर, अक्षय कुमार। वन ऑफ माय फेवरेट मूवी, मैंने बड़ी देर पहले देखी थी, मैं खुद भूल चुका हूं क्या हुआ था। खैर आज फिर दोबारा से देखते हैं और अभी देख लेते हैं फिर वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। शेमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे तू सुनता नहीं है, हैं? इधर कचरा नहीं डालने का, कमाल है यार। तो कचरा नहीं डालने का इधर समझता नहीं है तू? ये मेरा गला बैठने को आया है? तू क्या कान दुकान पे बेच के आया है? हैं साला बेरा, इधर कचरा नहीं डालने का? ये तो तू नया है ना, इसके लिए मैं प्यार से बात करता हूँ। हाँ, ये गुलाब वाला तेरा नाम क्या है? लिसन जेंटलमैन। लिसन जेंटलमैन, ये साला कौन सा नाम है? समझ में नहीं आता, इधर कचरा नहीं डालने का। आई एम सॉरी। अबे सॉरी क्या, इंडिया समझा है? गुना करो, सॉरी बोलो, क्या चलता जी? अभी ये साला घन चक्कर को मैं एक कलाक से समझा भी नहीं था कि क्या इधर कचरा नहीं डालने का। इसको बोल इधर से कचरा उठावे, वरना वरना क्या? अबे ये वरना ने वो ना बोल देता हूँ, मेरा दिमाग एक बार घूम गया ना, आ तो बिना सबू के धो डालूंगा। क्रिमिनल है। अच्छा इनके सर पर 2 करोड़ का इनाम है, ये इंडिया के अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े डॉन है। अंडरवेयर होके जाएंगे आओ, डॉन है तो क्या? डैडी जी यही गुरु गुलाब खत्री जो लोगों को कॉफी पिलाकर मार डालता है, यही वो डॉन है। ये डॉन है बहुत बड़ा, ये डॉन। तो उधर क्या बोल रहा था? अगर तेरा दिमाग गर्म हो गया तो तू क्या कर लेगा? नहीं, मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। ये क्या तुम पहली बार आया ना इधर, बोलना चाहिए ना, पड़ोसी है ना। डालो इधर कचरा, डालो इधर, हम भी इधर ही डालते, इतना अच्छा जगह छोड़ के कितने डालेगा। डालो। अनमोल आचार्य डेंटिस्ट, कभी भी दाखिल रखो तो बोल देना। बोल देना। और मेरा नाम है, क्या है मेरा नाम? ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। अभी मेरे को किसी ने बोला कि मणिलाल किधर जा रहा है, तो अभी ये बोला मणिलाल। हाँ स्मार्ट है। हाँ, वो घर है ना, उधर मैं हाउस वाइफ हूँ, अरे अपना हाउस हस्बैंड हूँ। हाँ, उधर चाय पीना आ जाना कभी भी। हाँ ओके, ओके? चलिए आप आइए हमारे साथ कॉफी पीजिए। किधर आइए? नहीं नहीं आइए, अरे भाई मेरे को काम है, उधर काम बाद में कर लेना, कपड़ा बर्तन सब धोने का भाई। तू तो आ, मुझे भी काम है। उतरे क्या बात है, कोई तो आ मेरे साथ कॉफी पीने। दामाद जी, कितनी लंबी सीढ़ी है यार। दामाद जी चलो 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 जल्दी पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस स्टेशन क्यों? अरे भाई ये है ना, मैंने पुलिस के नाम ये लेटर लिखा है, लिखा है जरा देख लेना अंग्रेजी बराबर है कि नहीं है। क्या है ये? मैंने लेटर में लिखा है कि हमारे बाजू में ना इंडिया का बहुत बड़ा गुंडा रहता है, और मेरा साइन देखा, मैंने साइन अजीत के नाम का किया है। कौन अजीत? लिया तेरी सासू, मेरी वाइफ। लेकिन डैडी जी ये जब गुंडे को पता चलेगा ना कि इन दोनों ने ये चिट्ठी लिखा है, तो गुंडा इन दोनों को खत्म कर देगा, और बाद में पुलिस गुंडे को खत्म कर देगी। देखा, एक चिट्ठी है, दोनों की छुट्टी। चल जल्दी किक मार, चल। ये गाड़ी है। हाँ तो हाथ से किक मारना भी लेट होता है ना। धक्का मारना पड़ेगा, बैटरी डाउन है। बैटरी डाउन है इसका, बोल। कहो तो मैं छोड़ दूं। हम लोग चले जाएंगे अपने आप। हो भाई, अपने आप जाएंगे। हो भाई आइए, लिफ्ट दे देता हूँ। लिफ्ट का क्या काम, हम तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, लिफ्ट लेके ऊपर थोड़ी जाना है क्या? हम चले जाएंगे। हो भाई चले जाएंगे, मेरा मतलब है गाड़ी में मेरी। नहीं नहीं नहीं, हम लोग चले जाएंगे। 15 तो माइल जाना है, 7.5 दे चलेगा, 7.5 माइल चलेगा। ऐसे जाना कहाँ है? पुलिस स्टेशन नहीं जा। पुलिस स्टेशन? नहीं नहीं पुलिस स्टेशन नहीं, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जाना। ये देखो ना, मेरे को लेटर भी पोस्ट करने का, ये रख अभी संभाल के। आप रखिए, आप बड़े। अरे भाई तू छोटा है ना, तू रख संभाल के गांडा। डैडी जी बड़े ना, लाइए मैं पोस्ट कर देता हूं। नहीं नहीं आप क्यों तकलीफ कर रहे,
हम लोग पोस्ट कर देंगे। क्या बात है, बड़ी जवानी फूट रही है तुम में। कुछ खास लिखा है अंदर? खास क्या इसमें, आपके बारे में नहीं लिखा। खास नहीं आपके बारे में, मेरे बारे में लिखना भी मत, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे बारे में लिखे पढ़े या समझे। समझे? सही बात है ना। देखो हम तो आपको पहचानते भी नहीं, हमको तो मालूम भी नहीं है कि आप इंडिया से आए क्या जी? और इसको तो ये भी मालूम नहीं है कि आपके सर पे इनाम है, और वो भी 2 करोड़ का। आइडिया है तेरे को? नहीं है, बोलो। चलो कॉफी। क्या है, मेरे बारे में कोई बातचीत करे या कानाफूसी करे मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरा खून खौल उठता है। जब मैं पैदा हुआ तो सीधे डॉक्टर को काट लिया था। क्यों क्यों काट लिया? क्यों? चिल्लाने लगा, बधाई हो आपके घर में बेटा पैदा हुआ, बधाई हो आपके घर में बेटा पैदा हुआ। ये कोई बोलने की बात है? काट लिया, मर गया साला। अभी मैं काटता नहीं हूँ। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि गुस्से पे काबू कर लिया। लेकिन आदमी जैसे बड़ा होता है ना, वैसे सुधर ही जाता है। अच्छा, अब मेरा बोलता पोपट काटता है। बोलता पोपट? ये तुम्हारे पास पोपट है? ले, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। वाह, दिखाता हूँ। पोपट जेब में रखता है? ते ऐसा जेब में रखता है तो वो चांच नहीं मारता है? कर दे यार तू अंदर। रोहित ये पोपट नहीं है, है ना? आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है। ये चाकू है, चाकू। चाकू? हाँ, इसे क्या है, वो घर में सब्जी काटते ना, ये वो पोपट नहीं है। ये बोलता पोपट ही है, इसकी चोंच अगर किसी आदमी को छू लेना तो वो फटाफट पोपट की तरह बोलना शुरू कर देता। तुम दोनों मुझे बहुत भोले और मासूम लगते हो, इसलिए मैं तुम दोनों को 3 लाइफलाइन दे देता हूँ। और टाइम प्लेस भाई, चौखवट कर लिए। 3 माने इसका 3 और मेरा 3, माने टोटल 6 ना। तो समझो नहीं, टोटल 3, डेढ़ तेरा डेढ़ मेरा। क्या हंस नहीं, ठोक से हंस। I love your smile, I love your smile। मेरी भी अच्छी है। चलो आओ कॉफी पी। नहीं नहीं, मेरा ऊपर जाओ, मेरा भी ऊपर ऊपर आओ ना, कॉफी पीते हैं। इंडिया आ गया। इन्हें फर्स्ट क्लास ना धोके वो गुंडे भाई को ढूंढने चले जाते हैं। हमें कोई विक्रांत विक्रांत से नहीं मिलना। तो फिर हमको इनाम कौन देगा? डैडी जी, विक्रांत इनाम तो दे देगा, लेकिन उसके बदले में गुरु गुलाब खत्री को जान से मार देगा। क्या ये सही है? नो भाई नो। तो फिर बीवियों को हम क्या जवाब देंगे? मैंने सब सोच लिया है, वापस जाके बोल देंगे कि विक्रांत मिला ही नहीं। बेस्ट आइडिया ये, इधर 7 दिन रहेंगे, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे एकदम। न साला कपड़े धोने का झंझट, न बर्तन मानने का झंझट। रूम सर्विस में फोन कर दे, लेके आओ, फर्स्ट क्लास आइडिया ये। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। हाल 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 हाल। और खर्चा ना हिसाब में डाल देने का, समझा? ट्यूबलाइट ओ लाइट किधर है? ओहो, होटल में लाइट ना थी। ये क्या है? मेरे ख्याल से पुतला है डैडी जी। लेकिन नंगा नहीं है। ये स्मगलर लोगों का पुतला मैंने पहली बार देखा हूँ। वाह, सोना पहने, ये असली लगता है। ये क्या हो गया इसको? पता नहीं। आगे आगे हकलाता है। ये क्या बोला? कुछ नहीं, सॉरी, लगता है हम लोग गलत कमरे में आ गए। हाँ, चले डैडी जी, चलिए। सही कमरे में आए तुम लोग। ओ, तो आप गलत कमरे में आ गए। जा भाई, जा जा। अपन भी सही कमरे में आए। लगता है हम लोग गलत होटल में आ गए। हाँ, ये
होटल भी सही है, नाटक ने सीधा खड़े लो। कमाल है, होटल सही है, कमरा है सही है, तो तुम भी हमारे साथ ही रहने वाला? लेकिन हमने तो भाड़ा दो ही आदमी का दिया है। हो एक काम करो, तुम हमको भाड़ा दे दो, इनडायरेक्ट इनकम समझ, और बाद में इधर एडजस्ट कर लेंगे ना। अभी देखो बात क्या है कि बुकिंग पहले हमने किया तो हम लोग तो दो आदमी पलंग पे सोएंगे, तुम चादर लेके नीचे सो जाना, समझ गया तुम? अभी व्यवहार का बात हो जाए, थोड़ा एडवांस वगैरह मिल जाए। एडवांस बुकिंग? अबे मुंह की खिड़की बंद कर, नहीं तो तेरे को करंट में हाउसफुल दे डालता हूँ। जानता मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? तुमने बताया नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन है? ये इंडिया के बड़े बड़े भाई लोग है ना, अपन को छोटा छत्री बुलाते हैं, छोटा छत्री वालों से। नहीं चाहिए भाई हमको छोटा बड़ा, कोई छत्री नहीं चाहिए, बारिश तो है नहीं, अभी छत्री लेके क्या करेगा? अभी छत्री लेकर ना तो मेरे को तो वाइफ को हिसाब देना पड़ेगा। समझ जाओ, दूसरी जगह जाके बेचो। अबे कमकल के चाय की पत्ती, अपुन इधर से जाने के लिए, तुम दोनों को उठाने के लिए आले। देख भाई ताड़पत्री, छोटा छत्री। कौन छोटा छत्री? अरे अपुन का नाम है छोटा छत्री। तो उसका क्या? अरे अभी तूने बोला ना ताड़पत्री। मैं क्यों अभी ताड़पत्री बोला? अरे तूने सोचा होगा कि अपुन का नाम होगा। क्या तेरा नाम होगा? ताड़पत्री। लेकिन तू अभी बोला ना तेरा नाम छोटा छत्री है। अरे तूने बोला ना ताड़पत्री, तो मैंने भी बोला ताड़पत्री। कोई कुछ भी बोले भाई, तू अपना नाम चेंज मत करो, तू उसको फिक्स ही रख, इधर बाद में बहुत गड़बड़ होता है, तू समझा ना काजू कतरी। ये देखा इसने अंदर से ये निकाला है। अभी घुसड़ूंगा ना तेरा, वो भी निकालूंगा तेरे को, समझा? अभी दिमाग फिर गया ना तो तेरे को तड़ी पार कर दूंगा इस दुनिया से। चल किधर जाने का है? ये डालना के पास। चलाओ। डैडी जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है कि हमें इनाम से एक रुपया भी नहीं मिलने वाला है। एम हाँ, क्यों? आपने देखा नहीं वो लोग हम पे कैसे हंस रहे थे? मैं तो कहता हूँ सामान बांध के पहली फ्लाइट पकड़ के वापस अमेरिका भाग जाते। अरे ना ना, खाली याद गया तो हमारी बीवी हमको मार डालेगी। गांडा, इधर यहाँ मरने से तो अच्छा हम अपनी बीवियों के हाथों से मरे। कम से कम उन दोनों को फांसी की सजा तो मिलेगी। गुड आइडिया हो भाई, गुड आइडिया। कबूतर क्या गुटे रू क्या चल रहा तुम लोग का? अरे आप हमको छोड़ के चले गए ना, आपका रात देख रहे थे। अच्छा गुड नाइट और रेनकोट भाई। गुड नाइट। ए मेरा नाम छोटा छत्री है क्या? गलत नाम लिया ना तो खोपड़ी में घुस दूंगा खंजर, समझा? ये चिकने चल कमरे में खेत के चेन, वो तो ट्रेन में होता है। चद्दर खेत के सोया चल। हाँ तो हम लोग तो चद्दर खेत के ही सोते हैं। चल भाई चल। ए तू इधर जा रहा, तू तू चल उधर और तू चल इधर। बाथरूम में? उधर कैसे सोएगा? उधर मच्छर तो बहुत होते भाई, बाथरूम में कैसे? ए गुड नाइट के मच्छर, मेरे दिमाग पे सवालों का मंजीरा मत बजा। क्या जब तक हम लोग अमेरिका नहीं उड़ते ना, तू मेरे साथ रहेगा ताकि ये नहीं उड़े, समझा? क्या नाटक मत कर। चल भाई चल। तू रोज रात को नंगा? नहीं नंगा नहीं, पूरा कपड़ा पहन के सो। नहीं नंगा नहीं, तू नहाता क्या? दो बार नहाता हूँ, लेकिन नहाने के टाइम में नंगा होता हूँ विनोद भैया। अभी बहुत काम करने का मेरे को, अमेरिका जाके खतरे को भी मारने का, समझा? दिमाग की नस मत फाड़, तू लक्कड़ की पैदाइश है। हाँ आ गए सिंगापुर। ये सिंगापुर, ये अमेरिका जाने वाले थे ना, क्या लपड़ा कर रहा तू? ए भाई ये अमेरिका ही है। हाँ तो क्लियर कर रहे हैं यार, मैं पहली बार आया हूँ ना आउट ऑफ मुंबई। अरे आउट ऑफ मुंबई नहीं रे, आउट ऑफ कंट्री बोल, आउट ऑफ कंट्री। लगाई था मेरे को भाई, कुत्ते को तुम लोग आउट ही है। अन्ना भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती बोले तो? मिस्टेक भाई। हाँ मालूम है रे, मिस्टेक। क्या गलती हुई? मैंने मुंबई में से गुरु गुलाब खत्री को फोन करके बता दिया कि मैंने विक्रांत को मिलकर उसका पता बता दिया। अबे क्या बोला तू? येड़ा हो गया क्या तू? अरे भाई छोड़ इसको, ये येड़ा थोड़ी, येड़ा तो आप बनना। येड़ा बोलता है क्या? देखिए मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने गुरु गुलाब खत्री को सब कुछ बता दिया। अच्छा किया, अभी वो तेरे को खलास कर डालेगा। विपुल तूने सत्यानाश कर दिया भाई। साला पहला तू मरेगा और उसके बाद में तू। मेरा नंबर? अरे मैं तो बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ भाई, कोई सीधा रास्ता निकालो ना टेढ़ा भाई। कोई ये टेढ़ा भाई ने अपने बॉस का नाम क्या? तू कल बताना भाई, कल बताना, आज थोड़ा अर्जेंट है, कल बताना, कोई रास्ता निकालो ना भाई। मैं क्या बोलता, हम लोग घर में जाके पलंग के नीचे छिप जाते। अरे उसके पहले वो गुरु गुलाब उधर पहुंच जाएगा।
अभी बचने का एक ही रास्ता है। अपन लोग तुम लोग के घर नहीं जाएगा, अपन कहीं और जाएगा। सबसे पहले तो मैं भाई ये बात एडमिट करना चाहूंगा कि मैंने ये मूवी देखी हुई है, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गया हुआ हूँ कि इस मूवी में आखिर होता क्या है एंड पे। लेकिन अभी देखकर यही समझ लगे कि एक दूसरे के पीछे सारे किसी वजह से पड़े हुए हैं। ऑब्वियसली 20 साल हो गए इस मूवी को, 2002 में आई थी। और वैसे मेरे लिए हैरानकुन बात है कि विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट की थी, अदरवाइज मुझे लगता था कि ज्यादातर हॉरर मूवीज ही बनाती है भट्ट फैमिली। बट एनीवे हॉरर मूवीज या रोमांटिक टाइप जो मूवीज होती हैं, रोमांटिक मूवीज होती हैं वो बनाई जाती हैं। लेकिन ये कॉमेडी मूवी आपको देखने का बहुत मजा आता है जब भी देखो। मुझे लगता है कि 2000 के एरा में आपको ऐसी मूवीज देखने को मिली थी जो कि आप कह सकते हो कि आप कभी भी देखोगे आपको पसंद आएगी। एवरग्रीन मूवीज है कि कॉमेडी का जो वहां पर एक लेवल था ना वो आपको देखेगा बहुत। असल में उस टाइम अगर बात करें तो उस टाइम की कॉमेडी का लेवल थोड़ा डिफरेंट था, आज की कॉमेडी का लेवल जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। आजकल आप कह सकते हैं एक अडल्ट कॉमेडी टाइप मूवीज जो हैं वो इस तरह की बनती हैं, अगर मैं सही कहूं तो इसी तरह ही होता है। मतलब प्रॉपर ऐसे कॉमेडी मूवीज हम लोग को आजकल देखने को मिलती भी नहीं है। मुझे लगता है कि उस टाइम पर जो मूवी होती थी ना वो एक फैमिली मूवी होती थी, आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय करते थे। वैसे मैं कहती हूँ 20 साल के अरसे में कितना चेंज आ गया ना अक्षय कुमार सर में, अगर स्पेशली मैं बात करूं अक्षय कुमार सर में भी या आफ्ताब सर में भी, फिर परेश रावल सर में, सब में सर में मुझे इतना फर्क नहीं, मुझे अगर नहीं, मुझे जॉनी लीवर सर में इतना फर्क महसूस नहीं हुआ, मुझे उनमें भी इतना महसूस हुआ नहीं हुआ। लेकिन एक जो ये क्लिप हम लोगों ने देखा है, मुझे इसमें अगर सबसे बेस्ट और डिफिकल्ट किसी की अगर मैं कहूंगी कि एक्टिंग लगी है ना, वो बिल्कुल मतलब हकला कर आप जब एक्टिंग करते हो वो आसान नहीं होता। और अगर आपका पाला जो परेश रावल सर के जैसे इंसान की तरह पड़ जाए ना, इसके साथ पड़ जाए तो आप पागल हो जाओगे, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। बाकी ऐसे लोग होते हैं कि क्या नाम लेते हैं, जो अपने बड़ा बनने की कोशिश करते हैं लेकिन जब उनके ऊपर वो अगला बंदा हावी पड़ना शुरू हो जाता है उनकी सारी हवा निकल जाती है। अच्छा मुझे यहाँ पर जो है ना वो आफ्ताब सर है उनका एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगा, कॉफी पिला के मारते हैं। लेकिन ना आफ्ताब जो है ना वो दिल के बड़े अच्छे होते हैं, मतलब इनोसेंट। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद उनको अक्षय कुमार सर से थोड़ी हमदर्दी हो जाती है, या क्योंकि वो मिलते जुलते रहते हैं तो वो अच्छे इंसान होते हैं ना, तो मे भी इस वजह से। बट ये कि ऐसे जो मूवीज हम लोगों ने देखी है हम उसका भी अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि वो हमें भूल गई नहीं है। बट ये कि 2000 के टाइम पर यानी कि ऑनवर्ड्स 2000 एक तो केबल का काफी ज्यादा दौर आ चुका हुआ था, तो हम लोग मूवीज ये वाली बड़ा देखा करते थे, केबल पर लगा करती थी आपको मजा आता था, हलचल हो गई ये वाली मूवी होगी, और भी काफी सारी मूवी थी, हाँ हंगामा मूवी होगी, हेरा फेरी होगी, तो आपको देखने का बहुत मजा आता था क्योंकि जो केबल वाला है वो भी रिपीट मोड पर लगाई जाता था, और एक तो मूवी तो वो तो मैं कह लूँ कि उसमें एक एक सीन याद है ना, सूर्यवंशी वो बड़ी लगती थी। इवन कि वो जी सिनेमा भी मेरा ख्याल है कि जब भी वो एक चैनल था लगाओ सूर्यवंशी उस पर जो है वो लगी होती थी। केबल वाले का अपना भी चैनल था ना जिस पर मूवीज लगती थी, उस पर भी बैक टू बैक डिफरेंट डिफरेंट नई मूवीज लगती थी, पुरानी मूवीज लगती थी, तो काफी ज्यादा मजा आता था। खैर अभी तो बिल्कुल मैं कहूंगी कि एक चेंज हो गया सब कुछ, मोबाइल है, लैपटॉप है, आप खुद ही उस पर मूवीज देखना शुरू हो जाते हो, पहले सारे मिल बैठ कर देखते थे तो आपको ज्यादा मजा आता था। लेकिन ये है कि जितना भी हम लोग पुरानी मूवीज देखते हैं या कॉमेडी सीन्स देखते हैं, नो डाउट आप थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी हो जाते हो, और आपको कुछ टाइम के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो जो गाड़ियां भी देखो, एक्टर्स देखो, कुछ भी जो मतलब उस क्लिप में होता है ना वो आपको थोड़ा सा ना उस टाइम में लेके जरूर चला जाता है। इसमें कोई शक नहीं, आपको ना असल में वो जो आपने टाइम गुजारा था ना डिफरेंट डिफरेंट यानी कि लोगों के साथ जो टाइम गुजारे थे, क्योंकि 20 साल का ऐसा बहुत सारे लोग बिछड़ गए हैं इस टेन्योर में, तो आपको जो है ना वो भी याद आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी की मैं बात करूँ तो इस क्लिप में मुझे लगता है कि परेश रावल सर और जो है ना आफ्ताब सर वो दोनों अपनी बीवियों से काफी ज्यादा तंग हैं। इस मूवी में मेरा हाल में बहुत तंग होते हैं वो अपनी मूवी से, इन दोनों की स्पेशली मेरे हाल में परेश रावल सर, मेरा ख्याल है वो बहुत लालची बनी होती है इन दोनों ना, मैं थोड़ा थोड़ा भी याद आ रहा है जो है ना, थोड़ी थोड़ी मूवी याद आ रही है शायद इनकी। मुझे नहीं, परेश रावल सर है वो जैसे कहते ना
कि हाय थोड़ी देर के लिए तो मुझे घर के कामों से फुर्सत मिलेगी. वैसे अगर ये कॉमेडी में बात की, लेकिन अगर दूसरी साइड पर औरतों वाली साइड देखी जाए ना, तो मर्दों को ये एहसास होना चाहिए कि औरतें भी कितना काम करती हैं. क्योंकि मैंने मोस्टली मर्दों को ये चीज कहते हुए सुना है, अभी मतलब हाय बट सच में मैंने ये बात सुनी है कि मर्दों के नजदीक जो औरतें घर में काम करती हैं ना, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनको लगता है कि घर का कोई काम होता ही नहीं है. ये वैसे तो मुझे ये लगता है कि ये चीज गलत है. आपको अगर वो बहुत ज्यादा नहीं काम लग रहा ना, तो एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज करो कि वो बहुत ज्यादा अपना कंट्रीब्यूट करती हैं घर को मतलब चलाने में. क्योंकि अगर हम ड्यूटीज जो है ना वो थोड़ा चेंज कर देना कि मर्द औरतों वाली और औरतें मर्दों वाली करते, तो मुझे लगता है कि मर्द इरिटेट हो जाएंगे और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे ना. मैं मेजोरिटी की बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही. कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि वाकई में बड़े अच्छे से मैनेज भी करते हैं, लेकिन मैंने ज्यादातर औरतों को यहाँ पर देखा है कि अगर वो जॉब कर रही है ना, तो उसके बाद वो घर आकर भी बच्चों को देख रही है और उसके बाद खाना भी बना रही है. लेकिन मर्दों को मैं देखती हूँ कि अगर वो ड्यूटी करते हैं ना, तो वो सिर्फ आकर आराम से लेट जाते हैं. तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि औरतें जो है ना वो बहुत ज्यादा काम करती हैं. बाकी वही हर इंसान की अपनी अपनी जगह पर एक स्ट्रगल रहती है लाइफ में. कुछ मर्द बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, कुछ औरतें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हैं. बट मैं अपनी सोसाइटी की बात करती थी, हमारी सोसाइटी में ऐसे यहाँ पर क्या होता ज्यादा. एनीवे गाइस, बहुत मजा आया और मौजम यहाँ पर सोच रहा होगा कि ईमान दी जो है वो अब मेरी किट लगाने के चक्करों में है. भाई मैं आपकी किट नहीं लगा रही, बट मैं एक जो मैं आपकी किट नहीं लगा रही, मैं सीधा स्टैंप लगा रही हूं. मैं देखती हूं चीजें, उसको मैं डिस्कस कर रही हूं. बट आप जरूर बताइएगा आप में से किसी की फेवरेट मूवी रह चुकी है और फेवरेट करेक्टर कौन सा रहा है इस मूवी का, वो भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. लाइक सब्सक्राइब. Share. Keep us in our prayers. Goodbye.